खबर लहरिया, हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। मैं बात आज करने वाली हूँ उन छोटे छोटे गांव स्तर के कलाकारों के। ऐसे ही वाराणसी के हरंगा ब्लॉक साई गांव के अमित पाठक हैं। जब मैंने उनसे बात किया तो उनका कहना है कि जिस तरह से हम लोग छोटे छोटे गांव के कलाकार हैं और मेरा भी एक सपना है कि मैं भी कुछ आगे अच्छा बनूं, लेकिन मैं पढ़ाई करके तैयारी कर रहा था। अचानक में जब मैंने मनोज तिवारी का एक मूवी देखा तो मेरे मन में भी एक आलसी जागी कि मैं भी एक कलाकार बनूं। आज भी मुझे मौका मिलता है और मैं लगातार अपने कलाकार को प्रस्तुत करता हूँ। इसको देखते हुए कई तरह के अवार्ड भी मिल चुके। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह के प्रस्तुत करते हैं, किस तरह के गाने गाते हैं और कहाँ कहाँ ये जाते हैं। कैसे आपके मन में आया कि मैं एक गायक बनूं? कम से कम मुझे 15 साल के ऊपर हो चुका इस फील्ड में गाते हुए। तो आपके मन में कैसे है कि हम एक लोग गायक ही बने और कोई और सुझाव क्यों नहीं कुछ है? जब मैं 6-7 में पढ़ता था और उसमें मनोज तिवारी जी का आया था एक एल्बम बारिश शेर पे सवार, जो कि बड़ा फेमस गीत हुआ, आतने थे सुर गरवाले वो गीत था उसमें। तो उसी के बाद से वह गीत सुनने के बाद फिर उस समय उसमें माहौल काफ़ी था। जब यह गीत आया तो सुनने के बाद मुझे हुआ कि मुझे गाना चाहिए, तब से आपने गाने शुरू किए। जी हाँ भैया, किस तरह के आप गाना गाते हैं? मैं लोकगीत जागरण मतलब लोकगीत लोक संगीत। मुझे एक बार जॉब मुझे मिला था तो एक हफ्ते 15 था, मगर जब इस एक संगीत कीड़ा ऐसा होता है जिसको एक बार लग गया चाहे राजा बन जाए चाहे भिखारी बन जाए। तो आपने ड्यूटी कुछ भी नहीं उसे नहीं सोचा? कुछ भी नहीं। क्या उसमें नहीं फायदा होता था कि मतलब था, क्या अपने मन में जो है कि था? फिर भी मैंने काफी समय तक मार्केटिंग भी किया, कुछ समय तक मैंने मार्केटिंग भी किया एक आयुर्वेदिक कंपनी का एजेंसी में लिया, मगर कहीं मन आके यहीं पे गतित हुआ। मैं स्वतः गीत लिख के ही गाता हूँ अपना। तो कुछ लिखी हुई काफी किताब होगी आपकी? हाँ है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक है भैया? मैं बीएससी किया। कुछ याद होगा भैया? उस समय तो याद तो नहीं, पहले पहले ऐसे ही मतलब छोटा मोटा कार्यक्रम हारमोनियम ढोलक लेते हम लोग छोटा कार्यक्रम 500-600 मिलता था, 1200-1500 तक कार्यक्रम हारमोनियम ढोलक के कार्यक्रम करते थे। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कभी ऐसा होता था कार्यक्रम में कि पैसा नहीं बचता था, जो 100-200 पास से भी देना पड़ता था। कभी कार्यक्रम करने के बाद पार्टी बोलती थी कल आइएगा परसों आइएगा, आज तक मिला भी नहीं पैसा। हो गाने के लिए कोई चुनौती कभी सामना करना पड़ा? चुनौती तो बहुत करना पड़ा। जैसे आप इस फील्ड से पत्रकारिता महोदय जी हैं तो बहुत लोग बोलते कि अरे क्या गाएंगे क्या करेंगे, होता है ना गाँव में बाहर लोग बोलते कि अरे क्या देखिए गाना गा रहे है कि नहीं, और जाके 1500 काम करते, होता है तरह तरह की बात। तो मैंने उस कभी बातों पे किसी के ध्यान ही नहीं दिया कि कोई बोलता था कि गाना गा रहे हो। कोई सिंगर उस समय जिसका मार्केट था अपने संपर्क में लोग थे बोलते थे कि मेरे ऐसा गाएंगे, तो तरह तरह की बात लोगों का चुनौती करना पड़ता है। वही उसी चुनौती को मैंने ध्यान नहीं दिया कभी और यहाँ तक पहुँचा जो भी हूँ। कौन से गीत आपने गाया? ये मुझे मुंबई में मिला था। कौन से गीत आपने उसमें गाया था? उसमें गया तो था लोकगीत गणपति में गया था, गणपति में कार्यक्रम था मेरा उस समय। तो ये आपको मिला? जी हाँ जी। तो यही है, अब तक कितने अवार्ड आप पा चुके होंगे? कम से कम 250 के ऊपर अवार्ड होगा इसी तरह। जिससे और बड़े हनुमान जी का, शंकर जी का फोटो, राधा कृष्ण जी का, तमाम तरह कोई कुछ देता है कोई कुछ देता है, कभी तो अभी घड़ी पाया था बीच में। कैसे लोग जानते होंगे आपको? जब से कहा जाए सोशल मीडिया, हमने तो बहुत सारा एल्बम गाया, ऑडियो गाया, वीडियो गाया, जब से फेसबुक चालू हुआ है, सोशल मीडिया चालू हुआ है, तब से हम लोग को काफ़ी मतलब पब्लिक के बीच में जाने में बड़ा सरलता महसूस हुआ और हम लोग का कार्यक्रम जो है कार्यक्रम भी बढ़ा है। अब तो अभी तो मुझे आउट ऑफ कंट्री से भी हुआ है, कोरोना काल की वजह से मैं नहीं जा सका, और तो मुझे विदेश में भी कार्यक्रम करने का ऑफर हुआ है। तो भैया किस तरह से तैयारी करते हैं आप? मैं डेली घर पर 2 घंटे मेहनत करता हूँ, यदि घर पे हूँ बाहर हूँ तो बात ही अलग है। किस तरह से मन मतलब उछल पड़ता है यार आगे क्या सोच होता? अब कुछ पहले होता था, अब कुछ नहीं, पहले ऐसा होता था कि बहुत अच्छा लगता था, अब ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि बारे मिलने के बाद या पूरा
स्मृति चिन्ह मिलने के बाद कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? क्योंकि हम लोग को ना पेट जब भर जाता है ना पहले वो शौक होता था कि मिलना चाहिए मिलना चाहिए, पर हाँ अब शौक है विदेश का बाद जो है सेमिनार होता है जो वहाँ के बाद का है, वहाँ के वार्ड की आपको जो की जरूरत है, तमन्ना उसका मुझे है। क्या लगता है पूरा हो पाएगा? हाँ पूरा पूरा, जब तक आज तक मैंने जो चाहा है भगवान मुझे दिए। मनली मनौती मैया पतो हरी दुवरिया। एक परिवार बड़ा परेशान रहता है और जानती जब गरीबी होता है तो पति तो बाहर जाते मार्केट बाजार घूम टहल लेते हैं, कष्ट औरत को झेलना पड़ता है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बेचारी औरत उनके घर इनके घर मांगती बनाती हैं, पति तो बेचारा अपना जाके मार्केट में दोस्तों से अपना दुख बयां कर देता है, औरत कहाँ करती है। उसी को मैंने एक गीत गाता हूँ, मन ली मनौती मैया तोहरी दुवरिया, मन ली मनौती मैया तोहरी दुवरिया, लाग जाते सैया के नौकरिया असो के महीनावा में, लाग जाते बलमा के नौकरिया असो के महीनावा में। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।